आज दवा लेके आई को नया, ये था ना मेरा पुराना दवा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मतलब गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा, बारह बज गया तो गुड आफ्टरनून। तो आज सुबह ही मैं आ गई थी शॉप भैया को काम वाम समझाने के लिए, फिर जाके नहा धो के फिर तब रेडी होके आई मैं बाद में। फिर अभी घर गई, खाना वाना बना के आई। तो उनको अभी काम बताना पड़ेगा ना, अभी कैसे दुकान खोलना है, कैसे बंद करना है, क्या करना है। आजकल लगी हुई धूप इतनी तेज़, गर्मी से हालत हो गई खराब। तो मैं वैसे तो सब तैयारी हो गई, आलू वालू सब हो गया है, छिल दिया है भैया ने। मैं आज वो बना रही हूँ शेज़वान सॉस ना। वैसे बताऊंगी आपको, पहले भी बताया था, आज एक बार और बता देती हूँ। तो वो जैसे फ्राइड राइस, और फ्राइड राइस में तो कम ही डलता है, ग्रेवी मोमो वगैरह एक दो आइटम और में बनता है तो उसमें डलता है। आज मैं वो भी बनाऊंगी स्प्रिंग रोल, देखते हैं टाइम लगेगा आपको। बनाऊंगी बनाएंगे। आज तो नींद आ रही मुझे बहुत, हाँ जब भी आ रही है। आज तवा लेके आई को नया, ये था ना मेरा पुराना तवा। ये बीच से ना परांठे जल रहे हैं आगे, ये ले गए परांठे ना बीच से जल रहे थे आज। उसे मैंने वो भैया को मैंने साफ़ करने के बोला आज कि मैंने साफ़ कर दो, उन्होंने इतना खुरच खुरच के कर दिया कि वो जलने लगा बीच से, तो इसलिए मुझे भी दूसरा लाना पड़ा। देखते इसमें कैसा बनता है। अभी मैंने उनको घर भेज रखा है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, खाना वाना खाने के लिए। अभी 4:30 बजे तक आएंगे, तब मैं जाऊँगा। पता नहीं क्यों आज नींद आ रही मुझे बहुत, पता नहीं क्यों, क्या मतलब सुबह जल्दी उठ गया आज मंजीनगर स्कूल के चक्कर से भी, और रात को मुझे नींद नहीं आई कल, पता नहीं क्यों। बहुत लेट सो रही हूँ, डेढ़ बजे करीब, इस वजह से मुझे अब झटके आ रही है। कस्टमर आते रहे तो ठीक है, कस्टमर भी से ब्रेक मार लेंगे तो मेरे को भी नींद आ जाएगी। नींद की झटकी आ रही मुझे। तो करते हैं नए तवे का शुभारंभ। ये तो उससे भी बड़ा है, जले ना बीच में, फिर तो जलता है ना। ये परांठे तो बड़ा दिक्कत है। तो फाइनली गाइस, आज मेरा मुहूर्त निकल गया है जिम जाने का, आफ्टर 5 डेज। पूरे 5 दिन बाद मंडे से नहीं गई हूँ मैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। आज तो हर जाइए अगर नहीं जाऊँगी तो, इसलिए मैं जा रही हूँ अब जिम, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है बॉडी में भी, तो मैं आज तो जिम जरूर जाऊँगी। तो फाइनली ये जिम में इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल आ चुका है, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन पुराने वाले इधर रख दिए साइड में। काफ़ी दिन से भैया बोल रहे थे लाएंगे, फाइनली ये आए। बाकी का सामान उधर जो सामान था इधर शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है उसमें सामान, क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है यहाँ पे। जो मैट बिछा हुआ था ना इधर, यहाँ पे हटा दिया अब। वो गाइस मैं आ गई थी जिम से, 5 दिन जो छुट्टी हो गई थी उससे मेरा बहुत वो हो गया था, डाउन बहुत मुश्किल से करा मैंने, कम वेट में ही करा। फिर लैगी मारा मैंने आज, मैंने आके पनीर वनीर बना दिया है। अब जाती हूँ शॉप, भैया वो अकेले हैं वहाँ, इस टाइम थोड़ा रश हो जाता है शाम को। फिर विधे काट दिया सैलेड के लिए, किरा लेके आई थी मैं वहाँ से। और फाइनली हमारे जिम में इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल लग चुका है इतने सालों बाद।
खुशहाली आ गई हमारे उसमें। मैं पता है कम से कम कितना साल हो गया वहाँ पे, जितना साल मेरे को यहाँ पीजी चलाते हुआ उतने साल से मैं वहाँ पे कर रही हूँ। मेरे बीच में 2 साल छोड़ा था, हाँ 2 साल छोड़ा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में चोट लगी थी तब मैंने जिम छोड़ा था। ये तो मेरा हमेशा कंटिन्यू रहता है रूटीन। पहले वॉक भी जाती थी मैं, सुबह बताया आप लोगों को, वॉक जाती थी 2-3 किलोमीटर पैदल भाग के आती थी, वो छूट गया मेरा, वो नहीं कर रही हूँ आजकल वॉक। और जिम मेरा कंटिन्यू हमेशा रहता है रूटीन में। तो तब से मैंने भैया को बोला था कि भैया ट्रेडमिल कब लगाओगे इलेक्ट्रिक, बस आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, बस अगले महीने लग जाएगा। फाइनली अब लगा ही दिया, अब उनको मैं मैसेज में बोलूँगी फाइनली आपने लगा ही दिया भैया, वहाँ तो साथ नहीं करते ज़्यादा हम ना। और इतनी भीड़ थी आज भगवान, अब बच्चे आ गए ना सब, इतना भीड़ था जिम में कि बस कुछ हो ना। इतने देर देर मशीनें खाली हो रही थी, मैंने तभी मुझे टाइम ज़्यादा उसमें ऐसे लग गया, कर ही लिया मैंने, चार करे बस एक्स्ट्रा, 1, 2, 3, 4, 5 करे फटाफट करा। जा रही मैं दुकान, थोड़ा खाना ले जाती हूँ, टिफिन थाली वाली के लिए भी आ रहे बच्चे लोग, दिन में भी काफ़ी थाली निकली मेरे खाना की, तो शाम को भी ले जाती हूँ, अभी थोड़ा लेट तक बैठूँगी आज। गाइस मैं अब किचन समेट रही हूँ, खाना वाना सब निपट गया है, किचन समेटना है बस। दूध वूध गर्म करते हैं, दही जमाते हैं, कल बनेंगे चने रायता। डेली का 4-5 दिन से मैं गाड़ी भी नहीं चला रही हूँ, शाम को टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल। सोच रही कल सुबह जाऊँ वंशिका को छोड़ने के बाद, जो मेरे को 1.5 घंटा मिलता है उसमें थोड़ा सा हाथ साफ किया जाए, क्योंकि कल बेटे का भी फोन आया था, वो भी डांट रहा था मुझे कि ऐसे तो आपने सीख लिया, गाड़ी सीख लिया मतलब गाड़ी तो चलानी आ गई, थोड़ा सा ना वही है रोड का, थोड़ा सा साइड वाइड का थोड़ा सा मुझे नहीं हो रहा है, मतलब मुझे थोड़ा सा भी उस जो डर होता है ना मन में वो नहीं खुला है अभी। जैसे जैसे बोला जब तक तुम नहीं चलाओगे डेली रोड में ट्रैफिक में नहीं चलाओगे तो कैसे होगा तुम्हारा, यही गलियों में चलाती रहोगी, ग्राउंड में चलाती रहोगी। तो कल से देखती हूँ मैं, मैंने कहा बाबू टाइम नहीं मिला, बिल्कुल शाम को वहाँ से आ रही हूँ शॉप से, थोड़ा रेस्ट करके खाना बना रही हूँ, फिर जिम मांग रही हूँ। अब तो मार रही हूँ मैं दही, क्योंकि कल दही लगेगा ज़्यादा ज़्यादा लगेगा, दही कम कम नहीं लगेगा। वंशी का दूध नहीं पी रही हो तो उसके बाद का भी मैं दही जमा लेती हूँ, मुझे कल खरीदना नहीं पड़ेगा। 2 चम्मच जामुन डाल दिया मैंने इसमें, और आधा किलो 1 किलो से थोड़ा कम है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, और 1 लोटा ऑलरेडी मैंने बना रखा है दही, बस हल्का गुनगुना मतलब गुनगुना से थोड़ा तेज। ये रेडी हो गई मेरी दही, गाय के दूध का थोड़ा पतला ही बनता है। और ये कि काम चलाने लायक बन जाता है खाने में। तो हो गया मेरा काम, चने भी भिगा दिए मैंने इसमें, चने नहीं था मैं ध्यान ही नहीं रहा मुझे कि चने ख़त्म हो रखे, अभी लेके आई फिर 10 बजे जाके शॉप में, 1.5 किलो लगेगा एक टाइम तो, 1.5 किलो तो लग ही जाएगा। तो आज तो पूरे दिन मेरे को वो भैया को काम समझाने में लग गया कि कैसे करना क्या करना, ठीक है। सुबह भी मैं उनके साथ लगी, आज दिन भर भी उनके साथ लगी, शाम को जिम गई थी तभी थे वो अकेले, बाकी अभी लगेगा 4-5 दिन उनके, थोड़ा मतलब काम तो उन्हें आता है,
काम सारा आता है उन्हें, बट ये कि उनको थोड़ा स्पीड, मतलब जैसे सारे कस्टमर एक साथ आ जाते हैं तो कैसे हैंडल करना है वो नहीं आ रहा उन्हें, मतलब ना जल्दी जल्दी हाथ चलाना, एक परांठा बना रहे हैं तो दूसरा परांठा फटाफट रेडी करना ऐसे नहीं हो रहा, तो उसके लिए मुझे उनको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा। कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे सबको, सब लोग पेट से थोड़ी सीख के आते, सब यहीं सीखते हैं ना। मैंने भी ऐसे सीखा धीरे धीरे, मुझे कौन सा आता था, पर मुझे है कि कुकिंग का मेरे को बचपन से शौक था, ऐसे कुकिंग वगैरह करने का, ऐसे करने काम करने का मुझे बचपन से शौक था। मेरी मम्मी नहीं करने देती थी मुझे, पर मुझे शौक था। मम्मी जो बनाती रहती थी, करती रहती थी ना, मैं ध्यान से देखती रहती थी बैठ के उनके सामने बगल में। आजकल के बच्चों को थोड़ी इंटरेस्ट है, मैं तो देखती थी, वो मुझे बनाने नहीं देती कि तू जल जाएगी, तेरे हाथ जल जाएंगे, तेरे वो छींटे पड़ जाएंगे, वो डरती थी। अब देखो उनको, अगर अब तो है नहीं मेरी मम्मी, उनको पता होता, अरे अम्मा डेली जल रही हूँ मैं, यहाँ देखो ये देख रही हूँ शान, ये भी जला, ये अभी ठीक ही हुआ है जस्ट, ये वाला ठीक होते होते दूसरा भी जल गया है। डेली मैं जलती रहती हूँ, इतने ज़्यादा जल रखी हूँ ना मैं, तुम्हें बता नहीं सकती, छिट्टे विट्टे पता नहीं क्या 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 कहाँ कहाँ नहीं जल रखी मैं, हाथों में पूरा निशान निशान पड़ गए जिससे मेरी मम्मी बचाती थी जल के निशान पड़ेंगे बोल के, अब वही चीज़ मेरे से हो रहा है सारे, किस्मत है सब। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग मैं ये ख़त्म करती हूँ, कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ और नए जोश के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।